नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज 1 दिसंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 32वां दिन है। और कल मैं रुका था त्रिवेणी संगम पर। ये देखिए, ये त्रिवेणी संगम बोला जाता है इस जगह को। और इसके उधर जो है कुबेर भंडारी का मंदिर है, जो कि ऐसे जो आपको वो पुल दिख रहा है, ब्रिज, तो वहाँ से ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो लगभग 3.5-4 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, ऐसे तो सामने ही दिखता है। और मैं जहाँ रुका था वो है पिंगलेश्वर महादेव मंदिर। इनका अपना महत्व है, काफ़ी पुराना मंदिर है और बोला जाता है कि यहाँ पर अग्निदेव ने तपस्या की थी, ऐसा महाराज ने मुझे बताया। और महाराज जी जो यहाँ हैं बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं, मन से करते हैं। फिर से बात आती है भाव की, तो भाव जहाँ है वहीं भक्त है, वहीं भगवान है। तो भाव बहुत अच्छा था महात्मा जी का, और वो ग्रस्त नहीं हैं तो मन से सेवा करते हैं। तो यहाँ रुका था मैं, और मेरे साथ जो 1.5 दिन चले थे सज्जन, वो यहीं पर रुकेंगे 3 दिन और मैं आगे बढ़ूँगा। और यहाँ से ये रास्ता है पगडंडी का, तो मैं ये लूँगा और कुबेर भंडारी दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़ा जाएगा। आगे के लिए रास्ता मैं वहीं से मालूम करूँगा। तो चलिए आज की यात्रा परिक्रमा जो है वो प्रारंभ की जाए। जय नर्मदा मैया की। इतने पास में मूर्ति थी, वो देखो उधर भी। तो यहाँ मोरें जो है निर्भय होकर घूम रही हैं। तो मैं विश्वास हुआ कि कोई उन्हें हानि नहीं पहुँचाएगा। ये तपोभूमि है, तीर्थ क्षेत्र है। तो उसका भी एक प्रभाव होता है। और मैं जा रहा हूँ कुबेर भंडारी की ओर। तो दोस्तों, अगर ये सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं, तो यही पिंगलेश्वर महादेव मंदिर था जहाँ पर कि मैं रुका था। उसके सामने की ओर ही था कुबेर भंडारी का मंदिर, ये नदी पार करने के बाद त्रिवेणी संगम के उस पार। लेकिन चूँकि वहाँ से रास्ता नहीं था, तो मुझे उधर घूम के इस ब्रिज पे आना पड़ा है। और ये जो नदी मिलती है माँ नर्मदा में, वो नदी को पार करने के लिए, तो मैं नदी का नाम भूल गया हूँ एक्चुअली, तो इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और ये देखिए सुंदर सूर्योदय होता हुआ, जो वो दूसरी नदी है उस पर बहुत सुंदर सूर्योदय होता हुआ। और ये ब्रिज था जिस पे कि मुझे आना पड़ा घूम के काफ़ी, और जो कि मैं पार कर रहा हूँ। तो ये कुबेर भंडारी धर्मशाला है, और यहाँ पे एसी रूम भी दिख रहा है मुझे, तो आप बुक कर सकते हैं या रुकने के लिए ले सकते हैं आके। और कुछ लिखा है, भोजन शायद निःशुल्क मिलता है। और अब मैं जाऊँगा मंदिर की ओर, तो अगर अलाउ होगा तो अंदर, और अलाउ होगा तो फिर अंदर से दर्शन कराऊंगा। तो ये है नर्मदेश्वर महादेव। तो ये है मंदिर, अंदर फोटोग्राफी बना थी तो फिर मैंने लिया नहीं है। और जगह जगह दान के लिए व्यवस्था है, पंडित जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ जानकारी दी नहीं।
और अंदर महादेव का मंदिर था, इनसे पूछता हूँ, कुछ जानकारी लेता। तो दोस्तों ये यहाँ पर जानकारी लिखी है और इसके अनुसार ब्रह्मा जी के सुपुत्र पौलत्स्य, पौलत्स के पुत्र थे विसर्बा की दो पत्नी थी, उनमें से एक भारद्वाज ऋषि की पुत्री इंद्रविदा और दूसरी सुमाली राक्षस की पुत्री कैकसी। तो इंद्रविदा से जो पुत्र हुआ था वो कुबेर थे और कैकसी से जो पुत्र हुए थे वो रावण थे। तो कुबेर को बड़ा होने के कारण राजा बनाया उनके पिता ने, तो रावण को पसंद नहीं आया, उन्हें तपस्या की शिव जी की और वरदान लिए और फिर कुबेर को हरा दिया और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। तो फिर कुबेर जी भाग रहे थे तो नारद जी मिले उन्हें और नारद जी ने बोला कि तुम जाके गुजरात के इस स्थान पर तपस्या करो शिव जी की और उससे ठीक होगा सब, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो शिव जी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने बोला कि तुम भाई दोनों ही मेरे भक्त हो। तो ऐसे करके रावण से उसे प्रोटेक्शन मिला इस एरिया के लिए और शिव जी ने जो है कुबेर को वो देवताओं का खजांची बना दिया, ऐसा इसमें स्टोरी लिखी हुई है। ऑथेंटिसिटी तो पता नहीं कहाँ से रेफरेंस है ये, लेकिन अगेन धार्मिक हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं और इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि क्या सही है क्या गलत ये बोलना, क्योंकि त्रिवेणी संगम पर एक महात्मा जी मिले थे वो बोल रहे थे कि 30-35 साल पहले तक इधर कुछ था ही नहीं और फिर ये किसी ने ले लिया और उसके बाद में ये कैंपेन चला के बना दिया। तो होता है, जो भी सच्चाई हो हमें नहीं पता, हमारा काम सच्चाई पता करना नहीं है, हमारा काम है मार्ग में जो भी स्थान है उनके दर्शन करना और आप लोगों को कराना। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो मैं अब आगे बढ़ लिया हूँ, वहाँ कोई बैठने की ऐसी जगह दिखी नहीं मुझे खास, जगह तो बहुत होंगी लेकिन मेरी नज़र में नहीं आई। हालांकि वहाँ पर पैदल परिक्रमा वासियों के रुकने की भी व्यवस्था थी, ऊपर थी वो, मुझे पता चला बाद में, लेकिन 5-10 मिनट बैठने के लिए मैं ऊपर जाना वापस से ठीक नहीं समझा, तो क्योंकि देखने में लग रहा था कि 2-3 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ेगा। वहाँ हॉल था पैदल परिक्रमा वासियों के लिए और तो ठीक है, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊँगा, अभी इतना भी नहीं चला हूँ कि बैठना बहुत ज़रूरी हो। हालांकि पैर में आज एड़ी के पीछे की साइड उससे थोड़ा सा ऊपर उधर दर्द हो रहा है, कल भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो नए नए पॉइंट्स आते रहते हैं और दर्द होता रहता है। और ये देखिए, आपको ये दिखेगा नीलकंठ मंदिर, ये देखिए, ये जो कि उस मैया के उस पार है जो कि मैंने आपको डिटेल में दर्शन कराए थे। तो इस तरीके के साइन बोर्ड लगे हुए हैं अभी और कुबेर भंडारी ट्रस्ट की ओर से ही लगाए गए हैं, उनका ये एरिया है, अभी 1 किलोमीटर भी नीचे लाऊं मैं, तो फिलहाल तो लगे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक ये मिलते हैं रास्ता, जब तक तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जाया जा सकता है, ये कच्चा रोड है जो कि आगे जा रहा है। बाकी जो त्रिवेणी संगम था वो नदी का नाम तो मैं भूल गया, खैर तो देवगंगा या कुछ तो बोला था, तो वो नदी जो है त्रिवेणी संगम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बोलते हैं कि सरस्वती नदी जो है वो गुप्त रूप से मिलती हैं, इसलिए तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम। जैसे कि प्रयागराज में है तो गंगा और यमुना का संगम होता है, लेकिन बोलते हैं कि सरस्वती जी हैं वो अदृश्य रूप से मिलती हैं, वहाँ पर नीचे से आता है उनका जल स्रोत, तो ऐसा ही है। बाकी तो फिर कुबेर हाईली कमर्शलाइज तो होना ही था इस प्लेस को, जब वो मंदिर ही कुबेर के नाम से है तो फिर आप समझ लीजिए, कुबेर को देवताओं का खजांची बोला जाता है, उसमें लिखा था कि ऐसे कैसे खजांची बने वो तो भाई लक्ष्मी कुबेर की भी पूजा होती है अपने यहाँ दिवाली पर। तो कुल मिलाकर कलयुग है तो कलयुग में धन की पूजा ज़्यादा होती है, धन का महत्व ज़्यादा है, तो कुबेर मंदिर का भी महत्व ज़्यादा है। वहाँ पर कोई कुबेर की प्रतिमा नहीं थी, मैं वही मालूम करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था, तो जो कि मुझे अंदर गया तो देखने के बाद पता चला।
और निज लिखा हुआ था तो हो सकता है किसी के भाई पर्सनल कैपेसिटी में मंदिर हो, कैसा है पता नहीं है, ट्रस्ट भी है चल रहा है, और फिर अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो फिर फोटो भी नहीं लिया हमने भगवान जो थे भोलेनाथ उनका, तो उधर जो है फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो नहीं लिया मैंने। बाकी तो इस रास्ते पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आज। कोशिश तो गरुड़ेश्वर की ही होगी, बट बहुत दूर है वो, मुझे पता है, और पैर में भी दर्द है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। सब कुछ डिपेंड करेगा कि अच्छा, और जो सज्जन थे डेढ़ दिन मेरे साथ चले, उनका नाम शायद सचिन था, मैं भूल जाता हूँ इसलिए, और वो औरंगाबाद के थे नवयुवक, उनने पहले गाड़ी से परिक्रमा की है एक साल पहले, अब वो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं मुझे, मैं बात करता रहता हूँ, और कई लोग ऐसे हैं, ये भी उनमें से एक थे जो कि बीच में रास्ते में कई बार मिले, जहाँ पर रुकते थे तो वहाँ पर दिख जाते थे लोग, बात होती थी। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग मुझसे पीछे हैं, कई लोग मुझसे आगे हैं, जो कि मिले और बातचीत हुई है। तो ये तो एक हिस्सा ही है परिक्रमा का। चलिए आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि गरुड़ेश्वर जाने का तो है, लेकिन कितना जा पाऊँगा वो तो डिपेंड करेगा कि मैं कितना कवर कर पाता हूँ दोपहर तक, पैर कितना करने देता है। कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं चलता रहूँ, चाहे धीरे धीरे ही सही, बट सारे दिन चलता रहूँ। और फिर उसके बाद में गरुड़ेश्वर के बाद में फिर केवड़िया आएगा, अगर मैं आज वहाँ पहुँचा तो कल, आज नहीं भी पहुँचा पहले भी रुका तो भी कल केवड़िया पार करूँगा, जहाँ से कि सरदार पटेल का स्टैचू दिखता है, और जो कि अपोजिट है सुलपाणेश्वर मंदिर के, गोरा जगह थी गांव उसके अपोजिट है। और उसके बाद में बोल रहे हैं फिर से सुलपाणी के जंगल शुरू हो जाएंगे, इस बार शायद पहाड़ नहीं चढ़ने पड़ेंगे। मुझे इसका बिल्कुल, मुझे ये तो पता था कि उधर से आ रहे हैं तो इधर से क्यों नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, बट चूँकि कोई कहीं कोई मेंशन नहीं करता है इधर से तो ध्यान नहीं दिया मैंने। तो बोल रहे हैं कि जानवर वगैरह होते हैं, लेकिन रास्ता सीधा है, कि आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा कई दिन तक, फिर अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वीडियो बैकलॉग जो जैसे तैसे मैं दो दो वीडियो का एक एक मर्ज कर करके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शायद फिर से बढ़ जाए। तो ठीक है, उसके बढ़ने के आने के पहले में मेरी कोशिश रहेगी कि आज कल में मैं जो है वो वीडियो का सारा बैकलॉग क्लियर कर दूँ। इसीलिए मैंने कई दिन के वीडियो दो की जगह मर्ज करके और कट करके काफ़ी काट दिया मैंने, एक एक ही डाल रहा हूँ, टाइम कम लगे प्रोसेसिंग में और अपलोड में। तो होपफुली आज या कल में बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और सेम डे का ही बचा करेगा जो कि मैनेजेबल होता है, सेम डे या नेक्स्ट डे। चलिए भाई, ये देखिए इधर भी झाड़ियाँ थीं जो कि सूख गई हैं, और लगता है हो सकता है ना काट के भी साइड में कर दिया गया हो, तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये है कि पगडंडी है और ये नहर टाइप की है कुछ, दोनों ओर से थोड़ी सी ऊंचाई है, इधर गहराई है, तो इसमें पानी कीचड़ होने का डर है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कीचड़ जैसा रास्ता, थोड़ा भी और पानी आया होगा कहीं तो एकदम बहुत कीचड़ होगा। इसके अलावा तो संभवतः कोई बड़ा चैलेंज इधर नहीं होना चाहिए। और पगडंडी की जो निशान है उससे पता चल रहा है कि लोग जाते हैं इस पर, तो ये परिक्रमा का रास्ता बनाया है, परिक्रमा के लिए मार्क किया है, एक्चुअली बनाया क्या, बना तो हो गई, तो मार्क किया है तो लोग इधर से जाते होंगे।
तो ये एक घर है, गांव वाला घर, लकड़ी वाला, रास्ते में। और ये चूँकि बड़ी पगडंडी, ये बड़ी हो गई है, कच्चा रास्ता, तो उन्होंने चाय के लिए आवाज़ दी, झंडे भी लगे हैं, तो सकता है सेवा देते हों। तो मैं थोड़ा सा वैसे भी बैठने वाला था, उधर से जगह मिली नहीं, तो यहीं पे बैठूंगा 10 मिनट, और चाय होगी तो चाय पीऊँगा और आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ लिया हूँ वहाँ से चाय पी के। ब्लैक टी मिली थी और उसमें बिना दूध वाली जो चाय होती है, और उसके बाद ये पगडंडी वाला रास्ता ही चलेगा अभी, और आगे बताया है कि मोरिया शायद पड़ेगा 6 किलोमीटर, तो वहाँ पर कोई आश्रम है, तो अगर भोजन टाइम तक वहाँ पहुँचा तो वहाँ भोजन किया जाएगा, रुका जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा और आगे जाया जाएगा। तो अच्छी बात यही है कि पगडंडी वाला रास्ता बना दिया है, तो कम से कम आपको रोड के शोर शराबे से और गाड़ियों से दूर रहना है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए धीरे धीरे चला जाए आगे की ओर। तो ये है बरबड़ा गांव, और यहाँ पर कोई अन्य क्षेत्र भी है। अभी 10:15 बजे हैं, तो मैं रुकूँगा तो नहीं, लेकिन 10 मिनट विश्राम करते हुए ज़रूर जाऊँगा अगर रास्ते में मिला तो। और ये मैं एकदम से मैया के किनारे आ गया हूँ, तो आगे का रास्ता पता नहीं यहाँ से आगे जाता है या अन्य क्षेत्र के कारण इधर का एरो लगा दिया है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है, एरो होता है उधर ही जाना पड़ता है, गांव की पगडंडियाँ हैं। तो मैं आ गया हूँ, तो यहाँ तक तो दिख रहा है रास्ता, और होपफुली आगे का रास्ता वहीं से आगे जाता होगा। ये देखिए भगवा कलर के जो कपड़े दिख रहे हैं आपको, यही आश्रम होना चाहिए, तो कोई साधु वगैरह शायद यहाँ रुके होंगे, तो उनके कपड़े हैं, या फिर जो संचालित करते हैं ऐसे उनके कपड़े होंगे। चलिए भाई चल के देखते हैं। तो दोस्तों ये बरबड़ा में भी आश्रम है, मेरे पास जो लिस्ट थी उसके हिसाब से यहाँ आश्रम नहीं था, लेकिन यहाँ आश्रम है, और ठीक मैया के तट पर आश्रम है, तो रुकने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी है, अगर कोई उसी हिसाब से प्लान करना चाहे। और ये है पेड़ पौधे लगा रखे हैं, थोड़ा खुलासा एरिया, और ये सामने जो है हॉल, उसमें रुकने की व्यवस्था है, तो ठीक है। पानी वगैरह की व्यवस्था है बाहर, देखिए, तो बोल सकते हैं कि अच्छा है, ऐसा लग रहा है देखने के, शायद नया बना है 1 या 2 साल में, इसलिए हो सकता है उसमें लिस्ट में नहीं रहा हो। ये देखिए यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, अपना आसन लगा के, और सो सकते हैं। तो मैं यहाँ करीब 2 घंटे से हूँ, मैंने भोजन किया, पहले थोड़ा सा विश्राम किया, और धूप आज बहुत तेज़ थी, चुभ रही थी, तो उस टाइम मैंने निकलना ठीक नहीं समझा, फिर भोजन का वक्त हो गया, भोजन किया, फिर थोड़ी देर और विश्राम किया, जब तक मैंने किया वीडियो का बैकलॉग था, तो वो क्लियर कर रहा हूँ, तो उस पर भी थोड़ा सा काम किया। और कारण ये है कि आगे फिर से जंगल आने वाला है शायद 150 किलोमीटर का, और अगर 150 किलोमीटर का होगा तो पता नहीं नेटवर्क कहाँ मिलेगा, अगर 6-7 दिन नेटवर्क नहीं मिला तो बहुत सारा बैकलॉग फिर से हो जाएगा। तो ये आश्रम है जहाँ पर कि मैं रुका था, भोजन किया था, गजानन महाराज देव गंभीर आश्रम, बड़वाला, गुजरात। ये फ़ोन नंबर दिया है, गूगल पे नंबर है, अगर आप दान करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जगह है जहाँ पर कि मैं रुका था, विश्राम किया था, ये ठीक यहाँ पर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। एक तिलकवाड़ा करके जगह है पहले 10 किलोमीटर, तो वो टारगेट करूँगा, फिर आगे देखा जाएगा उसके। चलिए शुरू करते हैं। ये महाराज जी हैं जो कि बहुत ही सुंदर भोजन पकाते हैं, भाव से, और भाव से खिलाते हैं, और अच्छे से खिलाते हैं। नर्मदे हर प्रभु। ये तपती दोपहर में चलना आसान तो नहीं होता है, मुश्किल होता है, बहुत बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन आसान काम करने तो निकले भी नहीं है ना।
चलना तो पड़ेगा, बिना चले तो परिक्रमा होगी नहीं। और वैसे भी आजकल तो बहुत कम चल पा रहा हूँ मैं, 3-4 दिन से। मैं तो वीडियो में भी बाद में स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया हूँ, 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर ऐसे ही हुआ है 2-3 दिन। तो वापस अभी तो 30 पर ही आने में वक्त लगेगा, क्योंकि पहले मैं चल रहा था, तो आगे का तो अभी भूल ही जाता हूँ। और समस्या ये है कि जंगल आ रहा है उधर, अगर लिस्ट के हिसाब से मैं जाऊँगा तो उसमें आश्रम नहीं है, तो पहले ऐसे अगर होंगे भी तो वही 25-30 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, तो चलना ज़रूरी है जंगल में। और पता नहीं कैसा जंगल है, लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि इसमें लिखा है या मुझे बताया है, तो उसके लिए तैयार होना होगा, क्योंकि 1-2 दिन में ही जंगल शुरू हो जाएगा सुलपणी वापसी वाला। सुलपानी झाड़ी शायद है ये, इसमें पहाड़ नहीं होंगे ऐसा बताया है मुझे, कि इसमें पहाड़ नहीं होंगे लेकिन झाड़ियाँ होंगी, जंगल होगा। तो जगह कुछ मिलेगा नहीं, रहने का रुकने का कुछ व्यवस्था नहीं होगी, और मंदिर वगैरह तो होते ही नहीं है। तो वो देखेंगे, आते में भी देखा था, जाते में भी देख लेंगे, लेकिन ये है कि अगर 30 चलना है तो चलना है फिर, तो कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और चलना पड़ेगा। चलिए आज आगे बढ़ा जाए, आज देखते हैं कितना होता है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से 12:30 पर शुरू किया है चलना दोबारा, और मैं देखना चाहूँगा कि आज अब मैं कितना चलता हूँ, क्योंकि सुबह तो मैं 10 किलोमीटर के आसपास चला हूँ, 9 या 10 के आसपास ही चला हूँ बस। और आजकल क्या अंधेरा भी देर तक रहता है, तो निकलते निकलते 7 बज जाता है, जब तक उजाला होता है दिखने लायक जब तक 6:45 लगभग बज जाता है। तो वो भी कारण है कि सुबह जल्दी, अगर जल्दी नहीं निकल पाते हैं तो फिर ज़्यादा नहीं चल सकते, कि सुबह ही अच्छा थोड़ा सा खिंचता है। तो चलिए देखते हैं, आज एक तरीके से टेस्ट है मेरे लिए कि मैं कितना चल पाता हूँ। और दोस्तों अभी एक समस्या और आ गई है, मैं जहाँ रुका था वहाँ मैंने अंडरवियर और इनर जो है वो कल रात में सूख नहीं पाया था पूरी तरह, बाकी कपड़े तो सूख गए थे, तो मैंने दोबारा से उन्हें सूखने डाल दिया था और मैं वो भूल आया। अच्छी बात यह है कि मैंने वो जो गूगल पे वाला नंबर या वीडियो शेयर कर रहा था मैं, तो नंबर था, मैंने कॉल करके बोल तो दिया है, अब देखो भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं किसी से। तो मुझे यहीं पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इनर जो है, अंडरवियर तो ठीक है मेरे पास है एक्स्ट्रा, बट इनर जो है सर्दी बहुत है, इधर सर्दी और बढ़ेगी तो इनर तो चाहिए होगी। तो मैं देखता हूँ, अगर आ पाती है तो ठीक है, अगर 1-2 घंटे में भी नहीं कोई आएगा भेजेंगे तो फिर आगे बढ़ूँगा, फिर देखा जाएगा, जैसी मैया की मर्जी, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी मैं बैठा ही हुआ हूँ रोड पे इंतज़ार में कि मेरे कपड़े जो है इनर है वो आ जाए। 1 घंटा तो हो गया है बैठे 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 बैठे, जब कोई परिक्रमावासी आएगा तो ही भेजेंगे। और पैर के पीछे थोड़ी सूजन है, यहाँ पे भी कोई दर्द कर रहा है, उस एरिया में थोड़ी सी सूजन आ रही है। तो पता नहीं क्या समस्या है वहाँ पे। तो दोस्तों लगभग 2.5 घंटा हो गया है मुझे बैठे बैठे, बड़ी दुविधा पे हूँ मैं कि आगे बढ़ूँ कि इंतजार करूँ। मोटरसाइकिल वगैरह से आगे दे के जा सकता था, लेकिन मैंने कुछ लोगों से ट्राई किया, मात्र 1 किलोमीटर ही होगा यहाँ से, कि जो आ रहे हैं जा रहे हैं जो कोई दे दे 1 और 1-2 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई तैयार नहीं हुआ अब तक, मैंने 3-4 लोगों से ट्राई किया। चलिए देखते हैं और देखता हूँ, और 1-2 घंटे इंतज़ार करता हूँ फिर देखा जाएगा। तो दोस्तों मैं निकल लिया हूँ अभी, कपड़े तो नहीं आए, और कुछ लोग आए भी थे परिक्रमावासी वहीं होकर, तो मुझे वो भी मिले, तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो नहीं दिए, तो फिर बोले कुछ लोग और सो रहे थे वहाँ पे, तो मैं समझ गया कौन सो रहा होगा, वो पता नहीं कब आएंगे। तो मैंने फिर से फ़ोन किया वहाँ,
तो बोले कि कोई गया होगा, बोले मैं तो रसोई में हूँगा। तो बोले ठीक है, तुम आगे मोरिया चले जाओ, तो मैं किसी से वहाँ तक भिजवा दूँगा। तो कुल मिला के ये है शायद 3-4 किलोमीटर आगे है मोरिया। तो हमें मोरिया जाके ही रुकना पड़ेगा, मुझे इससे ज़्यादा मैं कर भी कह सकता हूँ। फिर जैसी मैया की इच्छा, यही मान के आगे चला जाएगा, और क्या करें। तो ये है मोरिया हनुमान मंदिर, और यही है मोरिया आश्रम, और शायद यही है जो सामने ही रखा हुआ है। हाँ, तो मैं यहीं पर अब विश्राम करूँगा। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी लिखा है, ये है तो शायद यही है, और यहाँ पर मूर्ति भी बैठी है कुछ, तो यही होगा। तो ये था मोरिया आश्रम, और यहाँ रुकने की व्यवस्था थी, भोजन की भी व्यवस्था। तो मेरे कपड़े फाइनली आ गए हैं, लगभग 4:30 बजे का वक्त हुआ है, और किसी सिचुएशन में तो मैं यहाँ रुक जाता, लेकिन आज क्या है कि मैं चला नहीं हूँ ज़्यादा। तो चूँकि मैं बहुत कम चला हूँ आज, तो मैं लास्ट का जो 1.5 घंटा बचा है मैं उसमें चलना चाहूँगा। तो अभी मैं चलूँगा यहाँ से, और यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर पे एक आश्रम है, और उसके बाद में 1 और 4 किलोमीटर पे एक और आश्रम है तिलकवाड़ा करके। तो 8.5 किलोमीटर दिखा रहा है तिलकवाड़ा यहाँ से, मुझे 8.5 किलोमीटर में तो डाउट है, 6 बजे तक 1.5 घंटे में मुश्किल है थोड़ा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अगर थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर कम रह जाता है तो मैं कर दूँगा, खींच दूँगा अगर ये ऐसी रोड रहती है तो, और नहीं तो कम से कम अगले जो है जगह 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर वहाँ तक तो पहुँचा ही जाए, पहले कुछ तो चला जाए आगे। आज तो बिल्कुल भी आगे ही नहीं बढ़ पाया हूँ, और कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए जल्दी से, वीडियो तो शूट कम ही होगा अब। तो ये आ गया है नड़गांव, ये स्कूल था, और आज गुजरात में क्या है कि वोटिंग हो रही है असेंबली इलेक्शन के लिए। तो यहाँ जो भी स्कूल वगैरह हैं वहाँ पर आपको पुलिस वगैरह और वो सब अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो देख के लग रहा था कि वोटिंग शायद हो भी गई है पूरी, देख के तो ऐसे ही लगा, अगर आज वोटिंग यहाँ पर भी थी तो, बाकी जगह तो थी जब मैं दोपहर में आ रहा था। तो नवगांव नड़गांव ऐसा कुछ बोला, तो नवगांव मान के चल रहा हूँ मैं कि नवगांव है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि टॉयलेट की बात मत करो, खुले में शौच जाना ही ये तो तपस्या का हिस्सा है। तो भाई, अगर ये तपस्या का हिस्सा है तो हमारे यहाँ करोड़ों लोग, सारी की सारी जनता हजारों साल से तपस्या करती रही है ये वाली, और सरकार इस तपस्या को ना करे, जनता इसके लिए तपस्या कर रही है। तो भाई, ये तपस्या मेरी तपस्या तो नहीं है, और जिसके लिए लगता है कि तपस्या करना है तो वो करे, ठीक है, सही चीज़ के लिए मैं बोलूँगा। और बाकी जो 2-3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था, जो महोदय ने दान के पैसों से चलाई जा रही धर्मशाला में खुद मालिक बनकर टॉयलेट बंद कर दी थी, उसकी एक बात मैं बताना शायद भूल गया था कि जल्दी क्यों निकले। तो हुआ क्या था कि टॉयलेट तो उन्होंने बंद करके ही रखी थी, और जब फिर मैं वीडियो बनाने लगा तो बोलने लगे नहीं वो 11 बजे आएगा मालिक तो खोल देगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, टॉयलेट तो नहीं खोली मालिक ने आके, लेकिन जो सो कॉल्ड मालिक था वो रात को आया और उसने कुत्ता छोड़ दिया अंदर, शायद खुन्नस में किसी ने कुछ बताया होगा। और वो कुत्ते ने किया कि एक माताजी थी करीब 70 साल की परिक्रमा पे, तो उनका थैला जिसमें कि मैया की तस्वीर और पूजा की सामग्री थी उसे पूरा इधर से उधर कर दिया। मैं तो सो रहा था, आवाज़ तो मुझे आती है कुछ भी होता है, लेकिन स्लीपिंग बैग से मैं निकला नहीं, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। और उसके बाद उसमें क्या था कि करीब 2-3 महिलाएं और भी थीं वहाँ पर, और उन्हें रात में गांव के अंदर सोचिया बाहर जाना पड़ रहा था, तो ये कितने शर्म की बात है। चलिए, इसके बाद में जब सुबह उठे, उठ के
ब्रश ब्रश करना वो सब जब शुरू किया 4 बजे उठ के 4:30 पे, उसमें तो साधु भी थे जो सारे लोग रुके थे उसमें। तो जब माता जी ने बताया कि ये हुआ है तो सभी लोगों को बहुत बुरा लगा, और वो साधुओं ने बोला कि ऐसी जगह तो एक क्षण भी रुकना पाप है, महापाप है, बोले हम नहीं रुकेंगे। तो बाकी लोग ने भी सब ने डिसाइड किया कि यहाँ से इसी वक्त चलेंगे, और जो भी है नित्य क्रियाएँ वो आगे चल के ही की जाएंगी, वैसे भी वहाँ भी बाहर ही जाना था। तो इसी के लिए मैं जल्दी निकला था, जल्दी निकलने का फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, सारे लोगों का था। तो केवल मुझे लगा कि ये मैं शायद बताना भूल गया हूँ, हाँ इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बाकी तो ऐसा है कि सारी उंगलियाँ एक सी नहीं होती, मैंने पहले भी बोला है, और अभी तक देखिए पिछले 2-3 दिन से वो इंसिडेंट आप छोड़ दीजिए तो बाकी बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो ऐसा होता है, लालच करवाता है ये लालच। क्या है कि आपको जो काम पसंद नहीं है अगर वो काम लालच के लिए आप करेंगे तो फिर वो काम कैसा करेंगे, इसका ये उदाहरण था। तो धर्म के ठेकेदार हो गए हैं कई जगह, और कई जगह आश्रम जो है वो धंधा एक तरीके से होता है ना, कि अपने पैसा कमाने के स्रोत बन गए हैं। तो जब ऐसा किया जाएगा तो उसका रिजल्ट तो ऐसा होना ही है फिर, बस यही है। तो मैं तो जा रहा हूँ आगे, मुझे लगता है मैं 3 किलोमीटर चल लिया हूँ आज अभी, और 5 बजने वाला है तो 5 बजते बजते आधा हो जाएगा मेरा, और हो गया तो आई एम हैप्पी। बाकी का आधा जो है मैं 6 बजे तक कर लूँगा, मैं 1-10 मिनट का ब्रेक भी ले सकता हूँ बीच में, तो इतना वक्त रहेगा मेरे पास कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा अधेरा जैसा ही होगा जब तक मुझे पहुँच जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, और थोड़ी सी स्पीड फास्ट करूँगा जैसे जैसे ठंडक होगी, और वो ब्रेक शायद ना भी लूँ बीच में, तो इस तरीके से हो सकता है सही टाइम पर भी पहुँच जाऊँ। पर जो भी है पहले आधी दूरी कवर हो तब कुछ पता चलेगा। आगे जाके आपको एक अच्छी रास्ता पगडंडी मिलेगी, तो इस पर चलना है, मुझे लगता है कि कुछ किलोमीटर शायद इस पर चलना होगा, या हो सकता है 1-2 किलोमीटर ही चलना हो, और उसके बाद में वो जो गांव है आने वाला वो आ जाएगा, तो फिर उसके बाद का पता नहीं कैसा रहता है रास्ता, जैसा भी रहेगा देखते हैं। तो दोस्तों ये मैं आ गया हूँ, कोई सी नदी नाला क्या है ये, अच्छा उसके एरिया से तो लग रहा है कि नदी ही है, बारिश की नदी, और अभी भी उसमें पानी है, तो मुझे ये पार करनी पड़ेगी। नाव रखी है पीछे जो कि ऑपरेशनल नहीं है, और पानी कम ही है उसमें, तो देख के लग रहा है कि पैरों से पार करते होंगे आजकल, इसलिए शायद और कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ से रास्ता मार्क किया हुआ है। तो फिर वो सामने पहाड़ के बीच से जाना है, तो ये सुलपाणी आने वाला है, मुझे लगता है आज उसका ट्रेलर थोड़ा सा दे दिया है इनने, वैसे भी वो 1-2 दिन ही दूर है, अगर आप 20-25-30 किलोमीटर चलते हैं तो एक दिन में उसके अंदर चले जाएंगे आप, कल ही चले जाएंगे। तो चलिए ये है पानी, बीच में एकदम गहरा वैसा भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं मोबाइल रख दूँ क्या निकाल के, पता नहीं है, पत्थर दिख रहे हैं, धीरे धीरे कर लिया जाएगा। हाँ बहुत सी नदियाँ पार की हैं भाई हमने, तो ये भी कर लेंगे, बहुत ही कम पानी है, बहुत ही कम पानी है, घुटने तक भी पानी नहीं है, और उसके लिए भी फिर इधर एक जगह ज़्यादा पत्थर रख दिए हैं लोगों ने, इससे निकलने में आसानी हो, पैर ज़रूर अच्छे से धुल गए। और दोस्तों किसी ने YouTube पे कमेंट करके पूछा था कि समुद्र यात्रा के बारे में बताएं कि कैसे डर लगता है, या डर लगता है कि ऐसा कुछ था, और शायद नाम भागीरथ या भागीरथी था। तो देखिए ऐसा है कि मैं आपको सही सही अगर बताऊं तो डर तो नहीं लगता है, डर बिल्कुल नहीं लगता है, डर जंगल में नहीं लगता है, डर जंगल में इंसानों से नहीं लगता है, डर जंगल में जानवरों से नहीं लगता है, डर समुद्र में छोटी नाव से नहीं लगता है। आप मैया पे भरोसा करके अगर चलती हैं, सही से भरोसा करके चलते हैं, तो डर आपका ख़त्म हो जाता है, वही मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ,
इवन कोई जैसे कभी बोलता है कि अरे बाहर रुक जाओगे अगर कुछ हो गया, मर गए तो, अरे मर गए तो मर गए भाई, आपने जन्म लिया आप मर गए, मरना तो है ही एक दिन, और आपने उस बीच में कुछ नहीं कर पाए अच्छा, तो ये आपकी गलती है। अभी आपको किसी को लगेगा अतिशयोक्ति, ऐसी तो बातें बातें की जाती हैं, बट हकीकत यही है। एक बार आप जब करेंगे, अगर सच्ची श्रद्धा ईमानदारी से करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, आपका डर खत्म हो जाता है पूरी तरह से। लेकिन क्या डर है? डर लगना अलग बात है, बट क्या कोई डर की बात है, क्या कोई खतरा है? तो बिल्कुल है, वो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं कि क्या रिस्क हैं, और वो सारी की सारी रिस्क हैं वो अवॉइडेबल हैं अगर प्रशासन चाहे या वहाँ के लोग चाहें, वो कम्प्लीटली अवॉइडेबल हैं, केवल उन्हें थोड़ा सा उसके लिए काम करना है। जैसे अब डिपेंड करता है कि आप जब जाती हैं तो आपको जो सागर पार कराती हैं वो दिन में कराती हैं कि रात में कराती हैं, क्योंकि अगर दिन में कराती हैं तो आपको कुछ परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी, जैसे कि अंधेरे में वो छोटी सी रोड की स्ट्रिप थी उस पर चलना जिसके दोनों ओर खाई है या तो पानी है और आगे जाके तीनों ओर हो जाता है, तो उसमें एकदम एकदम अंधेरा रहता है, आप टॉर्च वगैरह चला के चलती हैं रात में, और जब भीड़ होती है तो 500, 600, 700 लोग होते हैं, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं बचती, तो पहली बात तो चलने में रिस्क है, ऊबड़ खबड़ रोड, तो इसमें प्रशासन क्या कर सकता है भाई? अरे पंचायत यार, उसमें ये बताइए 500-500 मीटर पे एक पुल नहीं लगा सकती क्या? उस पर सोलर, चलिए लाइट आप नहीं डाल पाएंगे किसी कारण से, मान लिया मैंने, तो सोलर पैनल वाले बल्ब नहीं लगा सकती क्या? ये इतना बड़ा काम थोड़ी है। तो भाई साहब ऐसे एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होता है। फिर दूसरी चीज़, उस पर क्या आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकती हैं? क्या आप टिकट चेक नहीं कर सकती हैं? क्या आप उसे लोगों को धीरे धीरे नहीं निकाल सकती वहाँ पर? पर कुछ होता ही नहीं है, कोई चेक करने वाली नहीं है, किसने टिकट लिया किसने नहीं लिया, कौन गया कौन नहीं गया, कौन कहाँ बैठ गया किसी। और तीसरी चीज़, आप इतना ओवरलोडिंग क्यों करते हैं? क्या ओवरलोडिंग से बचा जा सकता है? तो बिल्कुल बचा जा सकता है, आप मैनेज करिए भीड़ को अपने तरीके से। एक छोटी सी नाव में 70-80 लोग भरने का तो कोई लॉजिक नहीं है। आप उसमें जब बेचती हैं तभी आप बोल के बेचती हैं कि भाई 4 लोग 40 रहेंगे, फिर उससे ज़्यादा कर देते हैं। तो यही है कि ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप चाहें, आप नहीं चाहें, प्रशासन चाहे, गांव के लोग चाहें, पंचायत चाहे, अगर डिटरमाइन हो जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अब रही समुद्र यात्रा की बात, तो समुद्र में जाने में डर लगता है। देखिए समुद्र में तो बोट में मैं तो कई बार पहले भी गया हूँ, ठीक है, बड़ी बोट में जाते हैं तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, इसमें है तो हाँ बिल्कुल, ये जैसे झूल जाती है, लहरें आती हैं तो आपको लगता है कि ये तो गई, ये तो डूबी, और ये तो डूबी जब लगता है तो आपको पता होता है कि आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है, तो जब लाइफ जैकेट नहीं है तो फिर समझ लीजिए आप, तो बस वही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, तो मैं गूगल मैप का सहारा लूँगा और वीडियो बंद करूँगा। ये देखिए सूर्यास्त होने वाला है थोड़ी देर में, हालांकि अभी 5:15 बजाए, फिर भी लग रहा है कि 5:30 के आसपास पे सूर्यास्त हो जाता होगा आजकल, फिर थोड़ा थोड़ा उजाला रहता है 5:45 तक, फिर 6 तक डार्क होने लगता है। ये तो मैं कुछ दिन पहले की बता रहा हूँ, अभी हो सकता है थोड़ा जल्दी होने लगा हो। और चूड़ेश्वर, शायद चूड़ेश्वर ही जगह थी ना वो जो कि मैं जाने वाला था, तो वो आने वाली है अभी, और इसके बाद में ये देखिए इधर कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, और इसके बाद में वो 4 किलोमीटर और रह जाएगा, तो पता नहीं ऐसे रास्ता है तो रिस्की लग रहा है वहाँ जाना पहुँचना, फिर भी मैं देखता हूँ। अभी यहाँ का आश्रम एक आने वाला है छोटा सा कोई, उसका बोर्ड लगा था पीछे, अगर वो निकल नहीं गया है कहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कई बार के आश्रम है, तो मैं वो भी देखता हूँ, हो सकता है वहाँ भी रुक जाऊँ। अब नहीं चल पाए आज तो, नहीं चल पाए भाई, कारण थे कुछ, क्या कर सकते हैं, देखेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच करने का कोई मतलब नहीं है अभी, अभी ऐसी इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी में करो तो समझ में आता है, फिर भी देखता हूँ मैं। पहले वो आए कहाँ है, और 5 मिनट तो बैठूंगा मैं वहाँ, क्योंकि 5 मिनट बैठने से हो सकता है कि अगले 2-2.5 किलोमीटर
जल्दी हो जाएं। अगर वो जल्दी हो गए तो लास्ट का तो हो जाता है, फिर अगर 1-1.5 किलोमीटर बचता है तो फिर वो तो लगता है कि आ गया आ गया। और कई बार तो गांव अगर बड़ा है, लग रहा है शायद वो गांव बड़ा है, तो गांव के आसपास की बस्ती शुरू हो जाती है। डर की बात तो ऐसे भी नहीं होती है, बस यही है कि आपको नहीं पता जानवर हैं कि नहीं हैं, तो अननेसेसरी रिस्क क्यों लेना, इतनी सी बात है। चलिए अभी तो आगे बढ़ा जाए। तो सूर्यास्त होने ही वाला है और मैं जा रहा हूँ चूड़ेश्वर महादेव मंदिर की ओर। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आगे जाना 4 किलोमीटर ठीक रहेगा, तो संभवतः मैं यहीं रुकूँगा। अगर यही अन्न क्षेत्र है, रुकने की व्यवस्था है, जैसा कि पीछे लिखा था, बट वो कहाँ के क्या किस जगह का नाम लिखा था वो भूल गया हूँ। तो अभी तो केवल मंदिर के नाम का बोर्ड मिला है मुझे कि इधर मंदिर है, तो मैं उधर आ गया ये सोच के कि अगर लगा है तो वो शायद इसी पर्पस से लगा होगा। अब क्या है क्या नहीं है वो तो वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। तो ये है चंदेश्वर महादेव मंदिर और ये है चंदेश्वर महादेव अंध क्षेत्र। ये देखिए कुछ लोग पहले से आए हुए हैं और यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं नीम के पेड़ की छांव में। सूर्यास्त होने वाला है और ये यज्ञशाला है या जो भी आप समझ लीजिए, भोजनशाला बाकी चीज़ का काम करेगी। तो यही है, आज हमारा विश्राम यहीं होगा और समय आगे के लिए बढ़ा जाएगा। बाकी यहाँ पर मुझे लग रहा है देख के कि टॉयलेट वगैरह है, बनी हुई है, बाकी मैं मालूम करूँगा क्या व्यवस्था है। और इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।